हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी को बताऊंगी यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2019 के फिजिक्स में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। सो फ्रेंड्स, फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपके पास काफ़ी कम टाइम रह गया है। सो फ्रेंड्स, जल्दी से इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें और अच्छे से लर्न कर लें, आपके एग्जाम में क्या पता यही क्वेश्चन लग जाएं। सो फ्रेंड्स, अच्छे से इन क्वेश्चंस को आप लर्न करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ऐसे अपडेट पाने के लिए। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया करें। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, डायनेमो उत्पन्न करता है ई एम एफ को डायनेमो उत्पन्न करता है। ई एम एफ यहाँ पर क्या है? विद्युत वाहक बल। डायनमो जो उत्पन्न करता है विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन 10th क्लास में काफ़ी अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ है, तो आप सभी जो पढ़ चुके होंगे वो जानते भी होंगे ई एम एफ विद्युत वाहक बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फेराइडे के नियम के अनुसार ई इज इक्वल्स टू माइनस एन इंटू डी पाई अपॉन डी टी। वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको भी अच्छे से लर्न कर लें। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है? ये आधारित है डायनमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गॉस तथा न्यूटन पर एम्पियर में संबंध है, तो इसका राइट आंसर होगा 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर 10 की पावर 4 गॉस। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हमारा, डीसी विद्युत मोटर में विरोधी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इसका राइट आंसर है, जब मोटर की कुंडली घुमाना प्रारंभ होती है तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है विद्युत मोटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि फाई चुंबकीय फ्लक्स बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और ए क्षेत्रफल है तो बीच की सही संबंध क्या होगा? बी इज इक्वल्स टू फाई अपॉन ए, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ है हमारा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में विद्युत वाहक बल समानुपाती होता है चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के। क्या? चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के। क्वेश्चन नंबर एट है, निम्न में से कौन सा नियम प्रेरित विद्युत वाहक बल या विद्युत वाहक बल की दिशा को बताता है? इसका राइट आंसर है फ्लेमिंग का राइट हैंड नियम। वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है हमारा, विद्युत किसी प्रत्यावर्ती धारा के एक समान कथन है या एकमात्र कथन है। इसका राइट आंसर है, धारा की दिशा व परिमाण दोनों आवृत्ति के रूप में बदलते हैं, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफार्मर को डीसी में प्रयोग करने के लिए किसका यूज किया जाता है? इसे केवल एसी धारा में ही प्रयोग किया जाता है। केवल एसी धारा में ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, और आपने काफी टॉपिक पढ़ा भी होगा तो इसमें एसी धारा का ही प्रयोग किया जाता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।